तो अब 2002 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें प्रोहिबिशन मुकम्मल तौर पे इसकी कर दी. उन्होंने कहा कि सिगरेट नोशी की जो है स्मोकिंग की प्रोहिबिशन, और उन्होंने कहा प्रोहिबिटेड है, प्लस उन्होंने कहा कि प्रमोट करेंगे हम आपकी और प्रोटेक्ट करेंगे हम आपकी हेल्थ को जो जो स्मोकिंग नहीं करते. तो इसके अंदर उन्होंने ये एक चीज़ आगे जो अभी ये बता रहे थे और उसको मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. पहले हम उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी देख लेते हैं, उसके नेगेटिव और उसकी जो भी लकूनास हैं जो हम समझते हैं कि अमेंडमेंट्स हो सकती हैं उस पर बात करते हैं. वो ये है कि 2002 के अंदर इसमें उन्होंने पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक वर्क और पब्लिक यूजेज जो थी उसको बड़ा डिफाइन किया, बड़ी अच्छा उसकी एक डेफिनेशन दे दी. उनका द मोमेंट आप उसका है घर से आप बाहर आते हैं, आप रोड पे आते हैं, वो पब्लिक की में आ जाता है. आप पार्क में जाते हैं, दैट इज़ पब्लिक प्लेस. आप किसी सिनेमा में जाते हैं, दैट इज़ पब्लिक प्लेस. आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, दैट इज़ पब्लिक प्लेस. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो यानी कि घर के बाहर जिमनेजियम, स्टेडियम्स, एवरी प्लेस इज़ अ पब्लिक प्लेस. और पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है स्मोकिंग नहीं हो सकती, कहाँ जाए. लेकिन साथ ही वही उसको कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं हो सकती, ना ही पब्लिक प्लेस पे हो सकती है, पब्लिक एट वर्क पे नहीं हो सकती, ना ही जो पब्लिक व्हीकल्स हैं जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत आती हैं उसके अंदर भी नहीं हो सकती. यानी आप बसेज और वैन्स पे भी नहीं कर सकते. यहाँ तक इसको मुकम्मल तौर पे एक अम्ब्रेला दी, एक प्रोटेक्शन दी आपको सोसाइटी को कि यहाँ पर स्मोकिंग जो है नहीं हो सकती. लेकिन इसके साथ ये कहा कि गवर्नमेंट अपने गजट में जो है प्लेसेस निकालेगी हर जगह के ऊपर, जो भी ओनर्स हैं इसके, जो भी मैनेजर हैं इन जगहों के, उनके लिए ये कहा गया कि वो एक अलहदा एक ऐसी जगह बनाएंगे जो गवर्नमेंट बताएगी और उनकी पूरे पैरामीटर्स देगी कि वो जगह होगी जहाँ से पैसिव स्मोकर आप और मेरे जैसा बंदा जो स्मोकिंग नहीं करता उसकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट नहीं होगी. तो वो एक ख़ास उनको उस जगह में ही वो सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग कर सकेंगे, अदरवाइज वो स्मोकिंग नहीं कर सकेंगे. अमीर आपने एक बात बताएं कि हमारे पाकिस्तान में तो जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो नहीं है, तो वो अभी इस किस्म की जगहें कैसे बनाएंगे स्मोकिंग के लिए? जी उसका एक तरीका, एक पूरे का पूरा एक प्रोसीजर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसकी ऑर्डिनेंस देता जरूर है. वही बात कि इम्प्लीमेंटेशन ना हो, दैट इज समथिंग एल्स, पर बात यह है कि कानून तो है. तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कोई भी पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पर नहीं होगी. दूसरा ये कि आप जो है जो मैनेजर्स वगैरह हैं ये एक नो स्मोकिंग जोन बनाएंगे कि जी यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते. और प्लस वहाँ पर लिखा होगा, अभी आप ये जो अपना दिखा रहे थे इसमें भी लिखा हुआ था कि तंबाकू नोशी जो है वो मना है. लेकिन इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था इट्स एन ऑफेंस. ये लाजमी है, शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मैंडेटरी है कि ये लिखा होना चाहिए कि इट्स एन ऑफेंस. क्योंकि तंबाकू नोशी मना तो हम सिगरेट खरीदते हुए उसके ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक ऑफेंस ऐसी चीज है जिससे हम घबराते हैं, जिससे डरते हैं. बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई, इतने सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, और यकीनन हम करेंगे, आपको दोबारा मधु करेंगे. और वुमेन इश्यूज़ उस पर तो ख़ास तौर पे हमें बात करनी, इस पर काफ़ी हमने बात की और लोगों की इन्फॉर्मेशन में काफ़ी लॉस के हवाले से भी उनको पता चला. ये हमारा सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है. हमारे साथ अमरीन मोइन थी, माहिर कानून, बहुत दिलचस्प उनके साथ गुफ्तगू हुई. और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा. जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला. और अब जो हमारा सेगमेंट है वो है ब्यूटी का. ब्यूटी के सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हर्बलिस्ट हैं, उसके अलावा वो ब्यूटी और हेल्थ जो है कंसल्टेंट भी हैं. उनसे हम आपका तारुफ़ कराते हैं, उनसे खूब गपशप लगेगी. लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हम रोज़ बताते हैं. तो जी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो ये है कि मौका कॉफ़ी जो है उसका नाम 1773 में अथूपिया की बंदरगाह मौका के नाम पर रखा गया था. बाद में मशहूर बुटीक कॉफ़ी शॉप ने मौका कॉफ़ी में चॉकलेट डालकर यूरोप का सबसे पसंदीदा मशरूब बना दिया था उसे. जी हाँ, ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट. और अब आपकी मुलाकात कराते हैं जोया अलीम खान से. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ. आपको बेतहाशा चैनल्स पे 10-15 साल से देख रहे हैं, ब्यूटी सेगमेंट्स करती हैं, कंसल्टेंसी करती हैं और लोगों को बताती हैं अच्छी अच्छी टिप्स. तो आज हमारे नाज़रीन के लिए भी हम चाहेंगे कि आपसे गपशप लगे और उनकी उनको पता चले जो जो उनके साथ मसले मसाइल हैं वो उनसे जान उनकी छुट सके, छुटकारा हासिल कर सकें आपकी टिप्स से. अच्छा, आपसे मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि आप जो है हकीम नहीं देखा हमने कि जी ख़वातीन जो हैं वो हिकमत की तरफ आएँ, तो कैसे आपका हिकमत की तरफ आना हुआ? सोनिया, मैं एक्चुअली तमाम
सॉरी हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो जड़ी बूटियों से बनाती हूँ, तो उसके लिए कोई तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, टू हैव अ प्रॉपर एजुकेशन. तो उसके लिए फिर मैंने हिकमत पढ़ी, जिससे मैंने बहुत जड़ी बूटियों की खसूसियात पढ़ी, जो कि न सिर्फ ब्यूटी बल्कि हेल्थ को भी बहुत हेल्प देती हैं. और एक बात मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ये मालूम हो कि ब्यूटी सिर्फ यहाँ लगाने से नहीं आती. सही. ब्यूटी इज़ एक्चुअल द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ एंड हेल्थ बोथ. वेरी ट्रू. तो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सिस्टम सही काम कर रहे हों, लिवर आपका सही हो, मैदा आपका बहुत ज़रूरी सही हो, आपके दांत साफ़ हों, ये सारी चीज़ें मिलके, ख़ास तौर से सोनिया डाइजेशन, खून की कमी ना हो, कैल्शियम कम ना हो, हेल्थी डाइट हो, एक्सरसाइज हो, इन चीज़ों के साथ फिर सेकेंडरी आ जाता है कि आप अपनी स्किन केयर लाजमी करें. गंदे मुंह के साथ सोएं ना, मेकअप एक मरतबा करके फिर ये कोशिश ना करें कि इसको ही कंटिन्यू करते रहें. क्लेंस करें, क्लेंस करके स्किन साफ करके फिर दोबारा एक नया मेकअप कर लें. सही. वो और भी ज़्यादा इंसान फ्रेश लगता है. सही. यानी कि मतलब अंदर से आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी डाइट का, इन चीज़ों का. अच्छा, आप ये बताइएगा कि मतलब किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है. ये जो हर्ब्स हैं, मतलब हिकमत में हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, तो ये किस, जैसे एलोपैथिक जो दवा होती है वो फ़ौरन असर कर जाती है, स्टेरॉइड्स होते हैं उसके अंदर, तो ये इसका कितनी देर में अफेक्ट करती है? अच्छा, इसमें देखें ये बिल्डअप टाइम आप इसको कहेंगी. इसमें कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आपको फौरी असर करती हैं, जैसे आपको बेतहाशा खांसी और कंजेशन है, आप फौरन ने एक टेबल स्पून शहद लें, हाफ टी स्पून हल्दी डालें, हाफ टी स्पून उसमें मुलेठी का पाउडर डालें और उसको यूँ मिक्स करें, वो एक माजून बन जाएगा. आप अपने टेबल पे रख लें, आते जाते आप ये उंगली में पूर में शफा है, चम्मच के बजाय आप उसमें उंगली डालें और यूँ चाट लें उसको. और अगर नहीं अच्छा लगता आपको तो आप उसमें एक छोटा टीस्पून डाल दें, क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून आते जाते आप मुंह में लें, एक्सपेक्टोरेंट है, कंजेशन निकल जाएगी. ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन एज की नहीं है, एक साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है या 25-30 साल का इंसान है या 80 साल एज है, हर एज में खांसी कंजेशन सारी चीज़ों को ये आराम दे देता है. फिर पेट की मैं बात करती हूँ, जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है, ये एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो एवरी 24 आवर्स आपके जिस्म से निकल जाने चाहिए. अगर कॉन्स्टिपेशन है दैट मींस कि वो टॉक्सिन्स आपके अंदर फिर रहे हैं, उसको ख़त्म करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे इसबगोल लें, कुदरती चीज़ें कि आप ख़ुद अपना इलाज कर लें. एलोपैथिक मेडिसिन में तो आप हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें, सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना करें. सही. लेकिन जड़ी बूटियों में ये, जैसे जिन दिनों एलर्जी का सीज़न होता है तो नाब एंटी हिस्टामिन है, आप पानी में भिगो के इतने में रात को रख दें, सुबह पी लें, तो एलर्जी सीज़न में उससे आपको फ़ायदा होगा. कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसबगोल लें, हर्ड होता है, हरीड जिसे कहते हैं, उसका पाउडर बना के रख लें, एक टीस्पून रात को लें और उसके ऊपर तेज़ गर्म दूध पी लें. सही. पपीता खा के दूध पी लें. दूसरी चीज़ ये है कि आप मतलब इस सूरत से अगर आपका स्टमक की डाइजेशन रेगुलेटेड रहती है, आपकी इंटेस्टाइंस क्लियर रहती हैं, आपका स्किन कम्प्लेक्शन क्लियर रहेगा, मोटापा नहीं आएगा, पेट बड़ा नहीं होगा, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होगी, टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे, मुंह से बदबू नहीं आएगी. अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त. अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्ने की, जो मेरे ख्याल से इतना बड़ा मसला है, ना सिर्फ ख़वातीन में, मैंने देखा है कि मर्द हज़रात को भी आजकल ये प्रॉब्लम है एक्ने की, और लड़कियां तो बेचारी बहुत ही परेशान है, मेरे अपने सर्कल में भी. क्या किया जा सकता है ऐसा कि मतलब घर में इन्हीं हर्ब्स के ज़रिए कुछ हो जाए जिससे बचा जा सके एक्ने से? जैसे आजकल सुनिया बरसात का मौसम आ रहा है और ये बिल्कुल राइट टाइम है कि एक्ने ट्रीटमेंट पता चले. अच्छा, आसान बात तो ये है कि देखें, एक गिलास पानी में अगर आप इतने नीम के पत्ते रात को डाल दें, आप पी सकते हैं तो पी लें,
और थोड़ा बचा लें, उसको रुई में लगा के अपना मुंह दिन में 2-3 बार क्लेंस कर लें। सही।